लोकसभा चुनाव 2014। हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत। बल मिला कुछ दबी भावनाओं को भी, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कहीं दबी बैठी थी। हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों की आवाज़ें भारत में पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बुलंद हुई हैं, लेकिन एक दूसरी हकीकत यह भी है कि इस तरह की बातों और उसके बाद से उठने वाले कोलाहल से जो भारत का सेक्युलर फैब्रिक है, उसने भी अपने को थ्रेटन्ड महसूस किया है। गर्दन काट दे हिंदू, जय श्री राम। इनमें सबसे खतरनाक रही है हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों के नाम पर बढ़ी हिंसा। गाय की तस्करी रोकने के नाम पर कुछ खुद ही सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गोहत्या के खिलाफ चली हिंसक मुहिम से पुलिस वाले तक अछूते नहीं रहे हैं। ये वो गाड़ी है उनकी। उग्र गुस्साई हुई भीड़ ने ये हाल किया है, और इस सीट के पास में एक पुलिस इंस्पेक्टर का शव यहां से बरामद हुआ था। हमने यहां के आसपास के कुछ गांव वालों से भी बात की है, और उनका कहना है कि इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है और हर तरफ भय का माहौल है। 2015 के दादरी हत्याकांड के बाद गाय से जुड़ी हिंसा के मामले बढ़े हैं। इस सब के बीच गंगा, गाय और भारतीय संस्कृति को बचाने के नारे भी लगते रहे। हम कई ऐसे लोगों से भी मिले जिन्हें लगने लगा है कि हिंदू बहुसंख्यक होकर भी बुरी हालत में है। जितनी भी सरकारें रही पिछली, उनमें आपने देखा होगा हिंदुओं को हमेशा दबाने का कार्य किया गया। एक लक्षित हिंसा अधिनियम आने वाला था, अगर वो लागू हो जाता तो इस देश का हिंदू इस देश में रहते हुए भी एज ए शरणार्थी हो जाता। चालीस साल पहले सुकून की तलाश में ब्रिटेन से बनारस आए एक शख्स ने भारत को अपना घर बना लिया था। पिछले कुछ सालों में बढ़ती नफरत से वे भी नहीं बच सके हैं। ये सब सारी चीजें एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं। भिन्न समाजों के बीच में घृणा पैदा करना या किसी एक के खिलाफ आवाज उठाना बहुत स्वच्छ सोच नहीं है। जो सदियों से लोग शांतिपूर्वक अपने दिनचर्या करते चले आ रहे हैं, उसमें काफी बाधा आती है। गोहत्या पर नए कानून बने हैं, नए टैक्स लगाए गए हैं। प्रयागराज के कुंभ पहुंचने पर राम मंदिर या मस्जिद का मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ता दिखा, लेकिन कुछ अनसुने पहलू मजबूत दिखे। हमारी मुलाकात एक मुस्लिम गोरक्षक से भी हुई। फैज भाई, ये बताएं, आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उस मुस्लिम समुदाय में क्या एक डर की भावना आपको नहीं दिखी है पिछले 3-4 सालों में, जब से गो हत्या रोकने के नाम पर हिंसा सड़कों पर हुई है? गाय डिबेट का विषय है ही नहीं, अज्ञानतावश ये सारी डिबेट हो रही है। यदि आप वेद को खोलकर पढ़ें तो वेद में गाय को हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई की माँ नहीं कहा गया। वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र आज हर जिस्म और हर खेत की आवश्यकता है। उत्तर भारत में गोशालाओं को बनाने का एक फैशन सा चल पड़ा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, इस तरह की सैकड़ों गोशालाओं में एकाएक सैकड़ों गायों को लाकर रखा जाता है। लेकिन एक सच ये भी है, जो आम आदमी है उसको
यहाँ के जो हालात हैं, जिन स्थितियों में इन गायों को रखा जाता है, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा फिक्र नहीं दिखती। शहरों और सड़कों के नाम बदलने पर भी छिड़ी है बहस। मुगल सराय के बाद फैजाबाद और इलाहाबाद इतिहास के पन्नों में चले गए, उन्हें मिले नए नाम। मकसद के बारे में कुछ चुप रहे और कुछ ने खुलकर बात की। अरे खुद के बतावे ला मजनू का मौसा पीछे पड़ा है पीछे पड़ा मुझौं सा हमरे पीछे पड़ा। सबसे बड़ी बात है उस शहर की विशेषताएं चेंज नहीं होनी चाहिए बल्कि और विकसित होनी चाहिए। जैसे मैं अपना नाम ही बदल लूं, कुछ भी मैं रख लूं एक्स वाई जेड, तो वो नाम से बदलने से कुछ नहीं होगा। तो नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता है, तो बदलना है तो उसकी अच्छाइयाँ, उसको इस तरीके का बदलाव होना चाहिए। नजरिया हमारी पूछे उधव से ब्रज नारी पूछे। गाजीपुर हो या बलिया, गंगा नदी के इस विशाल क्षेत्र में ही बल मिला कुछ ऐसे संगठनों को जो डंके की चोट पर वो सब कर रहे हैं जो पहले चोरी छिपे होता था। सनातन धर्म को जो है विपक्ष जो पार्टियां हैं या जो है मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है, सभी लोग जो है बांटने का काम करते हैं। धर्म परिवर्तन, हमारे जो है बहन बेटियों को भगाना, हम लोग जो है उनके अपने माध्यम से उनको बुला के घर वापसी कराते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस किए जाने। लेकिन गाजीपुर बलिया बॉर्डर के एक छोटे से कस्बे में एक डॉक्टर साहब मिले जिन्होंने इमरजेंसी का दौर भी देखा है। अब जैसे राम जन्मभूमि है, भाजपा इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही है, राम की बेटी से कोई लेना देना नहीं है, राम की बेटी दहेज के लिए जला दी जाती है, और उसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इनको बाबरी मस्जिद चाहिए, लेकिन बाबर की लाखों बेटियां कोठों पर तन बेच रही हैं रोटी के लिए। कैसे रुकेगा ये कोठे पर जाना, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद की बहुत चिंता है। एकदम पूरा बहुमत के साथ सब हिंदू एक हो जाइए, जितना भी हिंदू। हिंदू धर्म की राजनीति यानी हिंदुत्व को त्योहारों और धार्मिक जलसों के जरिए भी मजबूत और आक्रामक बनाने की कोशिशें दिखी। प्रयागराज के कुंभ में करोड़ों हिंदू अपनी आस्था के चलते स्नान करने आते हैं। जाहिर है इसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं और इस बार भी हुए हैं, लेकिन ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों में आने पर जो चीज साफ तौर पर दिखाई देती है वो है इनडायरेक्ट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, वो भी चुनावों के कुछ महीने ही पहले। बिहार जैसे राज्यों में भी इसकी गूंज सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में तब्दील हुई। औरंगाबाद के इस एम्बुलेंस ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि वे दंगों के बीच फंस गए। 5 का परिवार चलाने वाले ये शख्स अब अपाहिज हो चुके हैं। तो हम गया से पेशेंट छोड़ करके आके हम हॉस्पिटल में लगा दिए थे गाड़ी, लगा के हम बोले कि चले खाना उना खा लेते हैं। उस हमारे ही रोड में, नवडी रोड में हल्ला हंगामा पथराव हो रहा था, लेकिन हमको मालूम नहीं था। अचानक जो गोली चला सर, हम अपने मोहल्ला के मतलब रोड में आ ही चले थे, थोड़ा सा अगर 2 मिनट भी टाइम मिलता तो हम अपना गली में एकदम घुस जाते, लेकिन उतना भी टाइम नहीं लगा। गोली चलाया लगाया तो साइड से लगा, इधर लगा, वहीं पर हम गिर गए सर। बिहार का ये भागलपुर शहर 1989 के दंगों से आगे बढ़ चुका था। उन दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन ये सब पिछले साल तक था, क्योंकि पिछले साल एक धार्मिक जुलूस ने प्रोवोकेटिव स्लोगन्स के बाद एक बहुत बुरा शक्ल लिया, जिसमें फिर से दंगे भड़के। नतीजा ये है कि शहर और आसपास के इलाके में फॉल्स र्यूमर्स, स्लोगन्स और टेंशन्स ने एक बार फिर से कमबैक कर दिया है। पिछले चुनावों में मुद्दे विकास या सुशासन के थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय बनाम बाहरी पर भी हाय तौबा मची हुई है।
एक जमाने में कम्युनिस्टों के गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़े हैं। बांग्लादेश से सटे मालदा में 2 साल पहले एक धार्मिक जुलूस ने दंगे की शक्ल ले ली थी। जो इसके शिकार हुए उन्हें भी मलाल कम है। हम तो पहले से नहीं जानते थे कि वो गोली हमारे ही पैर में लगेगा। हम जो फट समझे कि हम हिंदू है, हमारा सामने कोई अगर मंदिर तोड़ देगा तो हम काहे का हिंदू है, मंदिर नहीं बचा सकते। तो मंदिर बचाते हुए हमारा जान चले जाता तो हम नहीं सोचते। पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में ये एक आरएसएस की शाखा है और इस पूरे इलाके में लोगों का मानना है कि 2000 से ज़्यादा ऐसी शाखाएं रोज़ाना लगती हैं। यहाँ पर आने वालों का कहना है कि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर पूरे उत्तर भारत को आप इंक्लूड करें तो ऐसी कम से कम 10,000 से ज़्यादा शाखाएं रोज चलती हैं। संगे स्वयंसेवक सजाग रखते शक्ति ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हाल फिलहाल में भारत में जो हिंदू राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल हुई है वो अपना सपोर्ट और स्ट्रेंथ इस तरह के तमाम कैंपों से लेती है। चुनाव नजदीक हैं और मुद्दे कई हैं। उत्तराखंड से यूपी और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल तक राजनीति में धर्म की मिलावट जरूर दिखी, लेकिन हिंदुत्व की बढ़ती ललकार से कितना नफा नुकसान हुआ इसको उन्हें तौलना है जो अपने वोट डालेंगे। नितिन श्रीवास्तव, BBC पश्चिम बंगाल।